नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी के बाद कई राज्यों में सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में मास्क की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। हालांकि अब एक नए वेरिएंट ने एक बार फिर से सबकी टेंशन बढ़ा दी है। मुंबई में कोरोना के XE वेरिएंट की पुष्टि के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। WHO ने भी हाल ही में नए वेरिएंट को बेहद खतरनाक बताया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कहा गया है कि इस पर रिसर्च अभी जारी है। BMC ने दावा किया था कि 50 वर्षीय एक महिला जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, उसमें कोरोना का नया सब वेरिएंट XE की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमित महिला वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा चुकी है। BMC के दावे के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने मरीज के नमूने के XE वेरिएंट की मौजूदगी से इनकार किया है, इसलिए मौजूद साक्ष्य इसके XE वेरिएंट होने की पुष्टि नहीं करते। बता दें कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के एक अधिकारी ने बताया था कि सीरो सर्वे के दौरान महानगर में कस्तूरबा अस्पताल के जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में 356 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी। मुंबई में नए वेरिएंट का पहला मामला पाए जाने के बाद स्वास्थ्य हलकों में चिंता की लहर पैदा हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र अब रिकवरी की राह पर है और चल रही तीसरी लहर अपने अंतिम चरण में है, जो दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी। बृहन मुंबई नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि बॉलीवुड हस्तियों के साथ काम करने वाली एक महिला कॉस्ट्यूम डिजाइनर कोविड XE वेरिएंट से संक्रमित पाई गई है, जो कि देश में इस वेरिएंट का पहला मामला है। इस नए वेरिएंट के मामले की पुष्टि हो या ना हो, लेकिन इस वेरिएंट को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे सबसे संक्रामक वेरिएंट करार दिया है। अभी तक कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट में B2 को सबसे ज्यादा संक्रामक पाया गया था। वहीं XE ओमिक्रोन के BA1 और BA2 सब वेरिएंट के म्यूटेशन से बना है। इसे स्टेल्थ वेरिएंट भी कहा जा रहा है, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देने में सक्षम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे पहले के वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक बताया है। ऐसे में सावधान रहना और इस वेरिएंट के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।